यूपी के बहराइच में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए पीआरडी जवानों ने जिला अधिकारी को संयुक्त रूप से शिकायती पत्र सौंपा है। जवानों का कहना है कि बिना किसी जानकारी उनकी ड्यूटी काट दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। जवानों का कहना है कि पूर्व में भी उनके द्वारा शिकायती पत्र सौंपा गया था, जिस पर उन्हें एक हफ्ते के अंदर मामले में निजात दिलाने का आश्वासन भी मिला था। मामले का निजात न दिलाए जाने से आंदोलित होकर पीआरडी जवानों द्वारा शिकायती पत्र सौंपा गया है और 100% ड्यूटी लगाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि उनकी ड्यूटी काटे जाने के कारण वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नाम है आपका? यामियस कादरी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज हकीम गांव। अच्छा, क्या आज आप लोग डीएम ऑफिस आए, क्या मामला है? मामला ये है कि हम सबकी ड्यूटी 80% चल रही थी और अब 30% चल रही है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से कि बच्चों का एडमिशन करना है और घर का खर्च उस वजह से नहीं चल रहा है। इस वजह से हम सब नौजवान आए हुए हैं और ऑफिस में कि हम सबका समाधान करें। इसी वजह से तो ईद करीब है तो ज़्यादा दिक्कत तो है ही है। त्यौहार क्या होगा, अब त्यौहार होगा ही नहीं। नए कपड़े हम सब बनवाएंगे ही नहीं, जब ड्यूटी नहीं तो क्या बनवाएंगे, जब पैसे नहीं है तो। मिला था कि क्या मिला था? मिला था आश्वासन कि ड्यूटी देंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं है उसका समाधान। सर, मेरा नाम लालचंद तिवारी है, मैं पीआरडी का जवान हूँ। अच्छा, आज आप लोग डीएम ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? सर, हम लोगों का मामला है कि हमने 1 अप्रैल 2024 को ज्ञापन दिया था, जो हम लोगों की ड्यूटी खत्म कर दी गई अचानक से। इस संबंध में हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसकी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोगों की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई। उस समय आश्वासन मिला था कि आप लोगों का स्वीकृति करा करके भेज दिया गया, इस सप्ताह के अंदर आप लोगों की ड्यूटी लग जाएगी। कितने दिन अभी खत्म हो गया? आज 8वां दिन है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी तत्काल, जितने जवान घर पे बैठे हैं, 100% ड्यूटी पे ले लिया जाए। हम लोगों के लिए दिक्कत यह है कि अगले माह बच्चों के नए एडमिशन हैं तो जवानों के पास और दूसरा कोई जरिया है नहीं, और बच्चों का जो ड्यूटी बंद हो गया है तो बच्चों का भरण पोषण और स्कूल की ड्रेस लेनी है, कापी किताब लेनी है, इस प्रकार की। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी जवान घर पे बैठे हैं उनकी तत्काल जो है ड्यूटी लगाई जाए। लगभग कितने लोग जवान घर बैठे हैं? लगभग हमारे 1000 जवान घर पे बैठे हैं।